मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे कि अगर आपकी मीन लग्न या मीन राशि है तो तारीख वो कौन सी बेहद आपके लिए खास रहने वाली है अप्रैल के महीने में। यह राशिफल अप्रैल का है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज ये ध्यान रखिएगा कि यह राशिफल आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लग्न क्या है या आपकी चंद्र राशि क्या है तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हो। मीन राशि वालों के लिए सो स्थिति है, मैं शुरुआत में ही बता दूं, उसके बाद ही आप वीडियो देखिए, क्योंकि कुछ मामलों में तो आपको रिजल्ट बढ़िया मिलेगा लेकिन कुछ मामलों में समस्याओं का सामना आपको निश्चित तौर पे करना पड़ेगा। अगर सिर्फ अच्छा ही सुनना चाहते हैं तो भैया ये वीडियो आपके लिए नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब आप स्क्रीन पर चार्ट पे नजर दौड़ाइए। शुरुआत में राहु सूर्य शुक्र तीन ग्रह आपके लग्न पर विराजमान है 1 अप्रैल से। गुरु जो आपकी कुंडली में मुख्य ग्रह होते हैं ये धन भाव पर है, बुध के साथ कॉम्बिनेशन बना करके बैठे हैं। और उधर 7.5 से थोड़ा आपको राहत इसलिए मिलती रहेगी क्योंकि शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन आपके 12वें भाव में है। सेनापति के साथ सेवक बैठ जाए तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा वो दुष्प्रभाव तो नहीं डाल सकता है। बाकी बचे सूर्य देवता, ये 12 तारीख तक आपके लग्न में रहेंगे, उसके बाद ये उच्च राशि में धन भाव पे गोचर करने लगेंगे। और वहीं पर शुक्र देवता ये शुरुआत में उच्च राशि में बैठे हैं और उसके बाद इनका गोचर 24 अप्रैल से आपके धन भाव पर होने वाला है। ये है प्लेनेटरी पोजीशन। अब शुरू करते हैं राशिफल। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना कतई मत भूलिए। सबसे पहले जानकारी देंगे नौकरी करने वालों के विषय में, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नौकरी आप किसी भी फील्ड में क्यों ना कर रहे हो आपको बिल्कुल चिंता करने का आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके लिए सुंदर योग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी के मामले में आप भाग्यशाली रहोगे, समुचित मात्रा में आपको लाभ मिलता हुआ पूरा माह दिखाई पड़ेगा। अब बात करेंगे अगर व्यापारियों की, तो व्यापार आपका ठीक ठाक तरीके से चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप में व्यापार कर रखा है तो इस समय आपको विशेष तौर पर सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी क्योंकि तो पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ विश्वासघात कर सकता है, ऐसे योग भी नजर आ रहे हैं। सेल्फ का व्यापार करने वालों के लिए तो परेशानी नहीं है लेकिन पार्टनरशिप में व्यापार करने वालों के लिए निश्चित तौर पर उठा पटक वाली स्थिति पूरा महीना दिखाई पड़ने वाली। बात करें अगर विद्यार्थियों की, तो शिक्षा उच्च शिक्षा दोनों में स्थिति अनुकूल बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपके करियर में लाभ मिलेगा। और जो विद्यार्थी देश विदेश पढ़ाई के सिलसिले में जाना चाहते हैं उनके लिए भी सुंदर समय है, आप जा सकते हैं क्योंकि इस माह ऐसे योग नजर आ रहे हैं। प्रेमी जोड़ों के लिए भी स्थिति बढ़िया है, प्रेम आपका बढ़िया चलता रहेगा, कोई टकराव की स्थिति नजर नहीं आ रही। लेकिन अब अगला दुष्प्रभाव सुनिए, वो दुष्प्रभाव ये है अगर तुम शादीशुदा हो भैया तो विशेष तौर पे सावधानी रखना क्योंकि आपके लग्न में बैठे हैं राहु सूर्य और उच्च के शुक्र। लग्न तो बढ़ रहा है नो डाउट, सूर्य और शुक्र लग्न बढ़ा रहे हैं, वही सप्तम भाव को कमजोर कर रहे हैं क्योंकि शुक्र की नीच की दृष्टि सप्तम भाव पे है। उधर सूर्य की भी दृष्टि सप्तम भाव पे है, सूर्य आपकी कुंडली में ऑलरेडी षष्ठेश होते हैं और शुक्र अष्टमेश होते हैं और बचे खुचे राहु भी अलगाववादी ग्रह होकर के आपके लग्न में बैठे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा दिक्कत जरूर नजर आ रही है। अगर शादीशुदा जिंदगी में पहले से आपके तनाव चल रहा है तो विशेष सावधान हो जाओ क्योंकि शादी टूटने के अलग होने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। अगर पहले से तनाव नहीं चल रहा है तो छोटी मोटी फिर भी नोक झोंक होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं, इससे आपको सावधान रहना होगा। और निश्चित तौर पे यदि आपको परेशानी फेस करनी पड़ती है
तो ऐसे में बचाव के स्वरूप ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः या ओम बुद्धाय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार आप जप कर सकते हैं या कर सकती हैं। ये यदि आप उपाय करोगे तो वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। इसके बाद बात करें उन व्यक्तियों की जो लोग मकान वाहन भूमि भवन आदि पर निवेश करना चाहते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं निवेश के लिए समय आपके लिए 50-50 है, यानी कि 15 तारीख के बाद जो स्थिति बनेगी वो आपके लिए बड़ी सुंदर बनने वाली है। 15 तारीख के बाद नया मकान मिलना, वाहन भूमि भवन आदि की प्राप्ति होना, या आप कह सकते हो मकान जमीन आदि से आपको लाभ मिलना, गाड़ी वाहन आदि की प्राप्ति होना, इस तरीके के योग 15 तारीख के बाद बढ़िया तरीके से बनते हुए सभी मीन लग्न और मीन राशि वालों को देखने को मिलेंगे। लेकिन शुरुआत में निवेश करने से आपको कतई बचना चाहिए। भाग्य की यदि बात करें तो आपकी कुंडली में भाग्येश मंगल अपने स्थान से चौथे बैठे हैं, जो कि सुखद यात्राओं के भी योग बना रहे हैं, और वहीं पर कहीं ना कहीं भाग्य भाव आपका पीड़ित नहीं है, इसलिए भाग्य आपका ठीक ठाक तरीके से साथ देता हुआ नजर आएगा पूरा महीना। इस विषय में आप लकी हो। इसके बाद नए काम की शुरुआत करने वालों को मैं बताना चाहूंगा कि अगर कोई नया काम आप शुरू करना चाहते हो, कोई साइड बिजनेस वगैरह डालना चाहते हो या नई जॉब आप चेंज करना चाहते हो, तो कोशिश करिएगा 22 तारीख से पहले गलती से भी न कहीं निवेश करिएगा और न कहीं जॉब वॉब चेंज करने के बारे में आप सोचिएगा, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि 22 तारीख के बाद से स्थिति पूरी तरीके से आपके पक्ष में आते हुए दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य की यदि बात करें तो भैया यहाँ पर एक माइनस पॉइंट दिखाई पड़ रहा है। सभी मीन वाले अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, खास करके 22 तारीख तक। 22 तारीख के बाद भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं नजर आ रही है, तो स्वास्थ्य आपका नरम रहने वाला। अगर स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की आपको गिरावट अनुभव हो रही है तो आपके लिए रामबाण उपाय एक ही है, गुरु को मजबूत करना। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः या ओम गुरुवे नमः प्रतिदिन कम से कम 108 बार आप जप करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, और मैक्सिमम आप जितना कर सकते हैं उतना ही ज्यादा प्रॉफिटेबल रिजल्ट आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अंत में यदि धन की बात करें कि आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, तो यहाँ पर एक थोड़ा ठीक ठाक पॉइंट नजर आ रहा है कि धन के विषय में आप लकी रहोगे, क्योंकि शुरुआत में लग्नेश आपके धन भाव पे है, और उधर 13 अप्रैल से बेशक सूर्य छठे के मालिक होते हैं, लेकिन जब धन भाव पे उच्च के होकर के बैठेंगे तो आर्थिक स्थिति आपकी ये सुधारने का काम करेंगे, जबरदस्त तरीके से धन का आवागमन आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आपने जान लिया कि यह माह आपके लिए कुछ मामलों में अच्छा है, कुछ मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो वीडियो में बताया गया उपाय जरूर कर लें। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल मिलेंगे अगली राशि की जानकारी के साथ। नमस्कार।